सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत ने गुरुवार को कहा कि सेना ने चीन और पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर बेहतर तरीके से स्थिति को संभाला है और चिंता का कोई कारण नहीं होना चाहिए। रावत ने अपने वार्षिक संवाददाता सम्मेलन में यह भी कहा है कि जम्मू कश्मीर में स्थिति को और सुधारने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर में शांति के लिए हम केवल समन्वयक हैं। सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत ने कहा कि हमने उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर स्थिति बेहतर तरीके से संभाली है। उन्होंने आगे कहा कि चिंता की कोई बात नहीं होनी चाहिए। यदि कई देश तालिबान से बात कर रहे हैं और अगर भारत की अफगानिस्तान में रुचि है तो हमें भी बैड वॉग में शामिल होना चाहिए। 20 जनवरी को भारतीय सेना की उत्तरी कमान को नई स्नाइपर राइफलें दी गई हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैंने देखा है कि हमारे कुछ दिग्गजों में एक तरह की असमानता है। मुझे लगता है कि उन्हें एकजुट होने की जरूरत है। हमारे दिग्गज एक बहुत मजबूत समुदाय हैं, जिन्हें मुख्य धारा का समर्थन करना आवश्यक है। वे ऐसा कर सकते हैं कि वे अगर एकजुट हों और एकजुट रहें। हुर्रियत के साथ वार्ता पर सेना प्रमुख विपिन रावत ने कहा कि हमारी स्थिति बहुत स्पष्ट है कि बंदूक को बंद करें और पश्चिमी पड़ोसी से समर्थन लेना बंद करें। वार्ता तभी हो सकती है जब वे हिंसा से दूर रहें। आपको बता दें कि सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत ने आतंकवाद को युद्ध का एक नया तरीका बताते हुए बुधवार को कहा कि यह कई सिर वाले राक्षस की तरह अपने पैर पसार रहा है और यह तब तक मौजूद रहेगा जब तक देश राष्ट्र की नीति के तौर पर इसका इस्तेमाल करना जारी रखेंगे। रायसीना डायलॉग के दौरान एक पैनल चर्चा में रावत ने कहा कि सोशल मीडिया कट्टरपंथ को फैलाने का जरिया बन रहा है, इसलिए इसे नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता है। निखिल कुमार, पंजाब केसरी, दिल्ली।